हेलो ऑल डियर रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, टीचर्स और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ड्स। तो बच्चों, अधिकतर वर्ड्स में अगर हम लास्ट में एस लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है प्लूरल। जैसे कि कैट का कैट्स, डॉग का डॉग्स, एलिफेंट का एलिफेंट्स, इसी तरह से और भी शब्द होते हैं। चलो थोड़ा सा देखते हैं आगे। देखिए इसमें क्लॉक का क्लॉक्स, सॉक का सॉक्स, डक का डक्स, तो इसी तरह से और भी शब्द होते हैं जिनमें हम सिर्फ अगर एस लगा दें तो हमारा वर्ड बन जाता है सिंगुलर से प्लूरल। जैसे कि यहाँ देखिए, बर्ड का बर्ड्स, ब्रूम का ब्रूम्स, कैमल का कैमल्स, डेस्क का डेस्क। देखा कितना इजी है ये। तो आगे देखते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में आता है एस, सी एच, डबल एस, एस एच या एक्स, जेड, डबल जेड या फिर ओ। तो ऐसे सारे वर्ड्स में हम अगर ई एस लगा दें लास्ट में तो हमारा वो सिंगुलर से बन जाता है प्लूरल। तो हम यहाँ देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। इसमें सारे वर्ड्स देखिए जो ओ से एंडिंग हुई है, यानी कि लास्ट में ओ है, उनमें हमने ई एस लगा दिया और वो बन गए हैं प्लूरल। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इनमें देखिए लास्ट में ओ है लेकिन इसमें ई एस नहीं लगाया है, इसमें लगाया है केवल ए। ऑटो का ऑटोस, पियानो का पियानोस, स्टूडियो का स्टूडियोस। और बच्चों, ये जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में फ्रेंच इंग्लिश से लिए गए हैं, इसीलिए ये उस तरह से ही यूज होते हैं, इसका कोई विशेष नियम नहीं है। अब यहाँ पे वर्ड्स देखते हैं, लास्ट में जेड है, एस एच है, एक्स है, डबल एस है, सी एच है, तो इन सब में क्या हुआ है कि सब में हमने ई एस लगा दिया है। क्विज का क्विजेस, ब्रश का ब्रशेस, बॉक्स का बॉक्सेस, एड्रेस का एड्रेसेस, किस का किसेस। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उसमें हम ई एस लगा कर अपना सिंगुलर वर्ड को प्लूरल बना देते हैं। ये भी कितना आसान सा था। आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सेप्शन है ऑक्स। ऑक्स में देखिए एक्स है लेकिन हम इसको ऑक्सेस नहीं कहते हैं, इसका प्लूरल बनता है ऑक्सन। आगे पढ़ते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके लास्ट में वाई होता है, तो वाई वाले शब्दों में हमें दो चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी कि वाई से पहले वॉवेल है या फिर कंसोनेंट है। अगर वाई से पहले वॉवेल है तो सिंपली एस लगा देते हैं केवल, और वाई से पहले कंसोनेंट है तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं। देखिए इसमें सारे वर्ड्स में लास्ट में वाई है और उसको वाई को हटाकर हमने क्या लगा दिया है, आई ई एस। एक्टिविटी का एक्टिविटीज, बेबी का बेबीज, और सब जो भी वाई है इसमें उससे पहले कंसोनेंट आया हुआ है, इसीलिए हमने वाई को हटाकर आई ई एस लगाया है। और अगर वाई से पहले कंसोनेंट नहीं है और आ जाता है हमारा वॉवेल तो देखिए क्या होता है, तो हम केवल एस लगाते हैं, टी आर ए वाई। वाई से पहले क्या है, ए, तो इसका क्या हुआ, ट्रेज। मंकी का मंकीज, डंकी का डंकीज, की का कीज, टॉय का टॉयज, वे का वेज, गाय का गायज, ऐसे का एसेज। इस तरह से हम वाई वाले बनाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में होता है एफ, उनको हम हटा देते हैं एफ को और उसकी जगह पे लगाते हैं वी ई एस। एक्सेप्शन इसमें भी हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, लॉफ का लॉव्स, सब में हमने एफ को हटाया है और वी ई एस को लगाया है, तो ये थे। और भी इसके वर्ड्स होते हैं, वाइफ का वाइव्स, नाइफ का नाइव्स। अब यहाँ पे देखिए इसके एक्सेप्शंस भी हैं। इसमें देखिए लास्ट में एफ है लेकिन वी ई एस नहीं लगा है, केवल एस लगा है। रूफ का रूफ्स, चीफ का चीफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स। अब ऐसा क्यों है, इसका कोई नियम नहीं है। ये क्या है, ये फ्रेंच वर्ड्स हैं जो कि एज इट इज ले लिए गए हैं और इनका कोई विशेष नियम नहीं है। बैक्टीरियम बैक्टीरिया, कैरिकुलम कैरिकुला, तो इसमें देखिए लास्ट में यू एम है और यू एम को हटा के हमने ए लगाया है, तो बैक्टीरियम का जो प्लूरल होगा वो होगा बैक्टीरिया, कैरिकुलम का कैरिकुला। तो ये इस तरह से बनते हैं। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में होता है एस आई एस, तो हम क्या करते हैं, एस आई एस की जगह प्लूरल बनाते समय हम एस ई एस कर देते हैं। जैसे एनालिसिस का एनालिसिस, डायग्नोसिस का डायग्नोसिस, क्राइसिस का क्राइसिस, सिनोप्सिस का सिनोप्सिस, ओएसिस का ओएसिस, तो ये इस तरह से बनते हैं। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल में बदलते नहीं हैं, सेम एज इट इज़ यूज होते हैं। जैसे कि एयरक्राफ्ट, वाटरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। डियर, फिश, इंफॉर्मेशन, लक, म्यूजिक, शीप, गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, मिल्क, जो इस तरह के मटेरियल नाउंस होते हैं वो भी है।
और एडवाइस। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में यूएस होता है, और तब हम क्या करते हैं, यूएस को हटा के हम आई लगा देते हैं। जैसे सिलेबस का सिलेबाई, फोकस का फोकाई, फंगस का फंगाई, कैक्टस का कैक्टाई, रेडियस का रेडी, बैसिलस का बैसिलाई। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उनको हम, लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि एबेकस का एबेकसस होगा, ई एस लगा के इसका बनेगा, इसमें हम यू एस की जगह पे आई नहीं लगाएंगे। ऑक्टोपस का ऑक्टोपसस, रोम्बस का रोम्बसस, क्रोकस का क्रोकसिस, वालरस का वालरसिस। क्रोकस का मस होता है क्रोकोडाइल। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, जैसे कि कैटल। कैटल क्या है, एक ग्रुप है, मवेशियों का ग्रुप है। कंग्रेचुलेशंस, आई ग्लासेस, हेडक्वार्टर्स, मैथमेटिक्स, मीजल्स, मम्स, न्यूज़, पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, सीरीज, सीजर्स, ट्विजर्स, इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि जीन्स। तो उनमें क्या है, हमेशा पहले से ही एस लगा रहता है और उसको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे बिल ऑफ फेयर, तो इसको हम प्लूरल बनाते समय कहेंगे बिल्स ऑफ फेयर। चीफ ऑफ स्टाफ का मतलब है, इसको कहेंगे चीफ्स ऑफ स्टाफ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। फुल ऑफ मून, फुल मून, फुल मून्स। 10 ईयर ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें यू एम होता है लास्ट में, उसमें हम यू एम को हटाकर ए लगाते हैं। जैसे कि बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, कैरिकुलम का कैरिकुला, डेटम का डेटा। एक्सेप्शन देखिए नीचे दिए गए हैं, एल्बम का एल्बम्स होगा, स्टेडियम का स्टेडियम्स होगा। कुछ और भी प्लूरल से जो बिल्कुल अलग तरह से बनते हैं, जैसे यहाँ देखिए पर्सन का पीपल, फुट का फीट, टूथ का टीथ, चाइल्ड का चिल्ड्रन, माउस का माइस, शीप का शीप, फिश का फिश, लीफ का लीव्स। तो ये कुछ अलग था, वुमेन का विमेन, तो इस तरह से अलग बनते हैं। कुछ और देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक दिया है लाउस, लाउस का मतलब होता है जुआ, तो लाइस का मतलब होता है जुए। मूज का मूज सेम रहता है, शीप का शीप सेम रहता है, एल्क का एल्क सेम रहता है, कैक्टस का कैक्टिव अभी बताया मैंने, फुट का फीट होता है। तो कुछ अलग तरह से बिल्कुल बनते हैं और उनका कोई स्पेसिफिक नियम नहीं होता है, उनको हमें याद करना पड़ता है, वो जो कि प्रैक्टिस के साथ साथ हमें खुद ब खुद अपना याद हो जाता है और हम उसे सीख जाते हैं। देखिए यहाँ पे चाइल्ड का चिल्ड्रन है, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे दिए हैं, तो ये सब अलग तरह से बनते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।